अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक फ्रेश सा मॉर्निंग और व्लॉग लेके आई हूँ। जैसा देख रहे हैं आप, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तो आज मैं नाश्ते में रोटी और कॉलीफ्लावर की भाजी बनाने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने एक तरफ चाय और एक तरफ कॉलीफ्लावर बनाने के लिए चढ़ा दिया है कढ़ाई, जिसमें मैं तेल गरम करके सरसों का छौंक देके अब वो थोड़ा गरम स्प्लटर होने के बाद मैं उसमें अब हल्दी डालूंगी। अभी वो मैं वेट कर रही हूँ कि वो थोड़ा पक जाए। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि मेरी बेटी उठ जाएगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फिर अभी मैं इसमें हल्दी डाल दी। जैसा मैं इसमें मेंशन भी कर दे रही हूँ, एक टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी। उसके बाद मैं अच्छा अच्छा से काट के आप कॉलीफ्लावर डाल दें। बहुत अच्छे से धोइएगा दोस्तों, क्योंकि आजकल बहुत, जैसा कि जानते हैं आप, कैसी बीमारी चली हुई है। यहाँ आप थोड़ा हल्का सा गुनगुने पानी में धोइएगा तो ज़्यादा साफ़ हो जाएगा आपका कॉलीफ्लावर। उसके बाद मैं ये डालने के बाद अब मैं इसे चला दूंगी और अब इसमें हल्का फुल्का मसाला, जैसे रेड चिली पाउडर हल्का डालिए। उसके बाद नमक मिलाइएगा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से चला के फिर ढक दें हल्का सा पकने तक के लिए। ये मैंने नमक मिला दिया और एक तरफ, जैसा कि देख रहे हैं आप, मेरी चाय चढ़ी हुई है, तो आप लोग भी चढ़ा लीजिए, एक तरफ चाय एक तरफ अपनी सब्जी। तो देखिए मेरा पक रहा है अभी, और इसमें मैं 3 टमाटर मिला रही हूँ अच्छे टेस्ट के लिए। इसमें थोड़ा पक जाए उसके बाद मैं काट के टमाटर डाल दूँगी। और मैं आज खाने में बिरयानी बनाने वाली हूँ, तो आपको उसका डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल बिरयानी की। फ़िलहाल ये सब्ज़ी की रेसिपी देख लीजिए आप। चाय तो मेरी बन गई, अब मैं पीऊँगी। और ये देखिए सब्ज़ी में मैंने टमाटर काट दिए हैं, बन रही है मेरी सब्ज़ी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों, इस तरह से आप बनाइए। हल्का फुल्का नाश्ते में आप इसे कंबाइन कर सकते हैं, ज़्यादा से मसाले और सब ये डाल के, प्याज डाल के थोड़ा मीठा मीठा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑनियन ऐड नहीं किया है। सिंपल सब्ज़ी बनाइए, और इसमें मैं एक अच्छा की इंग्रेडिएंट उसे बोलते हैं वो मिला देंगे आप, तो सब्ज़ी का दोगुना मज़ा बढ़ जाएगा। ये है किचन किंग मसाला, एवरेस्ट का मैं यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई भी चाहे कर सकते हैं, MDH या कैच। तो ये मैं मिला दूँगी, ज़्यादा मत डालिएगा दोस्तों, हल्का सा। ये देखिए मैंने थोड़ा सा डाला, अब मैं इसे मिला दूँगी, मिला के ढक दूँगी। और ये देखिए मेरा लास्ट लुक। अब मैं आटे गूंदने की तैयारी कर रही हूँ, अब मैं आटा गूंदूंगी। ये देखिए मेरा बॉल, अब मैं आटा गूंदूंगी उसमें, अब जल्दी से जल्दी रोटी बना लूंगी मेरी बेटी से उठने से पहले। मेरा सब्ज़ी अभी कंप्लीट है और मैं अपने फैमिली के अकॉर्डिंग आटा गूंद लूंगी। मैं पराठा नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ दोस्तों, क्योंकि इसी तरह हम लोगों का फैट बढ़ा हुआ है, तो और घी वगैरह खाने से ऐसे ही डर लगता है यार। बस मैं यहाँ आटा गूंदने का, आटा मेरा हो चुका है, अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। देख सकते हैं मैं थोड़ा देर छोड़ के मैं फिर इसे गूंद रही हूँ, क्योंकि सॉफ्ट बने रोटी। और तवा चढ़ चुका है मेरा, और मैं फिर से बोल रही हूँ आपको कि मैं दोपहर को लंच में मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ, पर उसकी डिटेल रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। आपको अगर चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, डिटेल रेसिपी मैं आपको दूँगी। तो ये मैं आटा गूंद रही हूँ मार मार के, और मेरा वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही तरह अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए
लाऊंगी। और आप मेरे ब्लॉग में क्या देखना पसंद करेंगे मैं आप ज़रूर बताएं, उस तरह मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और क्या मेरे में पसंद नहीं आ रहा है वो भी आप बताएं। थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। नए नए ब्लॉगर हूँ यार, कुछ तो कमी बेशी होती ही है। तो ये देखिए, अब मैं इसे आपको देखिए, ये सब्ज़ी का लास्ट लुक बिल्कुल अच्छी तरह से गला लें। बन चुकी है मेरी सब्ज़ी और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। और मैं कुछ बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, मैं अपने कार से खुद ही ड्राइव करके मैं इसी तरह कैंप में थोड़ा, आप लोगों को भी थोड़ा मन बहल जाएगा इस लॉकडाउन में, थोड़ा बाहर का व्यू देखेंगे। तो हम लोग यहाँ कैंप में रहते हैं, हम लोगों को कैंप में, हम लोगों का कैंप का गेट बंद है बाहर, बट खुला हुआ है, बट अंदर का गेट सब बंद है, बाहर नहीं जाने दिया जाता, पर अंदर में ही हम लोग घूम के मन बहला लेते हैं। तो आपको व्यू देखने को मिलेगा बाहर का। तो मैं खुद राइड करूँगी, ड्राइव करूँगी। हाँ, मैं सीखी हूँ, हो गया मुझे सीखे, कार 2 साल पहले ही मैंने सीखा था। और ये मेरी रोटी बनना स्टार्ट हो गई है। ऐसा नहीं है यार कि औरतें नहीं कर सकती कुछ भी, ड्राई वगैरह ये वो, ऐसा नहीं है। ये देखिए मेरी रोटी बनकर तैयार है पूरी। अब ये मेरा बिरयानी का व्यू है। आप अगर इसका डिटेल रेसिपी चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, आप कमेंट करना ना। ये मेरे बेटे से मिल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर गौसिया। जैसा कि अब मैंने आपको बताया था सुबह में कि मैं थोड़ा बाहर जाऊँगी, इसी तरह थोड़ा मन बहल जाएगा। घर में रह रहकर बोरिंग फील हो रहा था, बाहर में तो थोड़ा बहुत अनलॉक हुआ है, बट हमारे कैंप में बिल्कुल भी नहीं। 5 गेट है, 5ों गेट बंद है, बिल्कुल बाहर नहीं जाने दिया जाता है। और यहाँ अंदर में सभी चीज़ अवेलेबल है जो हम सब यहाँ से ले सकते हैं। और ये मेरी बेटी का देखिए रोना स्टार्ट है। तो मैं भी जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी बाहर का व्यू, आप भी थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे। मैं तैयार हुई हूँ और बाहर जाने के लिए, बेटों को भी लेकर जाऊंगी, वही पकड़ेगा मेरे बेटी को। और मैं मिलती हूँ आपको बाहर घूमने के बाद। अल्लाह हाफिज़। Thank you.
गाइस यहाँ हमारा लंच हो गया है, तो उसके बाद मैं थोड़ा साफ़ सफाई करूँगी, जो हल्का फुल्का कचरा गिरा है वहीं पे। लंच में मैंने बिरयानी और रायता बनाया था जो हम लोगों ने खा लिया है। थोड़ा साफ़ सफाई टाइम, और यहाँ लेकर बैठा है मेरी गुड़िया को आमिश, उसको गाना सुना रहा है, वो जागी हुई है अभी। और उसके लिए मैंने हल्का फुल्का कुछ बना दिया था लंच, जो आपको बच्चों को, अपने बच्चों को भी आप दे सकते हैं। वो हल्का फुल्का है, वो सूजी का खीर बोलते हैं उसको, सूजी तो नहीं वो रावा है। आपको उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी अभी, देखिएगा आप। तो आप लोग, मेरा जो राइड था वो आप लोगों ने देखा होगा अभी, वो स्विमिंग पूल है कैंप का, बहुत ही अच्छा। हम लोगों ने कैंटीन तो हम लोग पहुंच गए, बट वहां जाने के बाद देखा कि वो सब पूरा बंद था, कैंटीन बंद हो चुका था, कुछ जल्दी ही बंद हो गया था शायद। तो हम लोग सोचे थे थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लें, बट कुछ भी नहीं मिला तो वापस आना पड़ा। आपको मिल जाएगा, देखिएगा आप, वहाँ का व्यू अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू अब हो गई है, और वो मेरी गुड़िया वहाँ पे देख रही है। और बताइए आप लोगों ने क्या लंच किया, आप लोग भी बताया करें ना, कमेंट करें प्लीज़, शेयर सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो देखिए आज मौसम तो अच्छा है, धूप भी है, बादल भी है, धूप भी है, बादल भी है, हवा अच्छी सी चल रही है, बहुत अच्छा हो रखा है मौसम। और आप लोगों ने रमज़ान में क्या किया, ईद में, ईद आप लोग किस तरह से मनाए? इस साल की ईद तो हम सभी को याद होगी, क्योंकि लॉकडाउन वाली ईद थी, कोई किसी के घर ना आ सका ना जा सका, बहुत ही यादगार ईद बनी हुई हो आज इस बार। तो आइए आप, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये हलवा नहीं, ये खीर है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है। तो इसमें ज़्यादा तो घी नहीं, मैं 2-3 चम्मच हल्का सा घी डाल रही हूँ। अब ये गरम होगा तो मैं इसे रावा डाल के हल्का सा भून लूँगी। सिर्फ ये मैं बेटी के लिए बना रही थी, इसके लिए भी लंच बनाना पड़ता है आजकल। तो ये हो गया घी गरम, और इसमें इलायची वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए इलायची वगैरह क्या डालना, या फिर ड्राई फ्रूट्स, या हम बड़े अपने लिए बनाएं तो इसमें इलायची पाउडर डाल दें और ड्राई फ्रूट डाल दें तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, हेल्दी तो है ही। तो मैं बहुत कम चीनी डाल के इसे दूँगी। और ये मैंने डाल दिया, अभी रावा डालूँगी अभी, देखिएगा। हाँ, तो मैं ईद के बारे में बोल रही थी, और बकरीद भी शायद इसी तरह ही बनेगी। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि किस तरह की बकरीद बन रही है हम लोगों की। अल्लाह ताला हम लोगों को इस वबा से बचाए, और हम लोगों को सेहत तंदुरुस्ती अता करें, हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से बचाए, इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म होने के लिए हम लोग दुआ करें मिल के, फिर हम लोगों की ज़िंदगी फिर पटरी पे आ सकेगी। यहाँ बहुत ही बच कर रहने का है, बहुत ही बच कर आने जाने का है, बहुत ज़रूरी हो तभी हम बाहर जाएं, या फिर अभी किसी से मिलना जुलना भी ठीक नहीं है ज़्यादा। तो गाइस यहाँ पे मेरा रावा भून रहा है, हल्के आंच पर भूनिए, थोड़ा सा कभी तेज़ कर दीजिए, कभी हल्का कर दीजिए, नहीं तो ये जल जाएगा। ये धीरे धीरे मैं भून रही हूँ, तो और आप लोग क्या लंच बना रहे हैं, क्या डिनर बनाते हैं, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्या देखना आप लोगों को पसंद है। मैं जो आप बोलेंगे रेसिपी मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, आपको अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ये मैंने भून लिया, मैं भून रही हूँ अभी धीरे धीरे। और आज मैंने बिरयानी बनाई थी, तो मैं शेयर नहीं की, आप लोग अगर मुझे बोलेंगे तो मैं
ज़रूर स्पेशल स्पेशल एक ब्लॉग ही बना दूँगी बिरयानी के लिए और रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बिरयानी भी बहुत तरह के बनते हैं दोस्त, हैदराबादी बिरयानी, दम बिरयानी और बहुत सारे बिरयानी हैं, तो उसका अलग अलग है। मैं तो आज उतना सिंपल बिरयानी बना ली थी, उतना ज़्यादा कुछ ये नहीं था, और आलू भी मिक्स मैंने डाला था बिरयानी में, और चिकन था, चिकन बिरयानी थी। और देखिए ये मेरा रावा जो है वो भून गया है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अलर्ट होके रहने का है, क्योंकि इसको हम डालेंगे तो बहुत ही ये ऊपर आएगा, आप लोग का हाथ वगैरह भी जल सकता है, इसलिए मैं गैस बंद करके हमेशा डालती हूँ, नहीं तो फिर ये आपका हाथ वाथ भी जल सकता है। फिर बंद कर देंगे इसको धीरे धीरे, आप ये कीजिए, मिला लीजिए, नहीं तो फिर ये इस पर लम्प्स भी बन सकते हैं। ये मैंने डाल दिया दूध, मैं दूध खीर वाली ये आपको रेसिपी बता रही हूँ। अगर आपको सूजी का हलवा भी देखना है तो आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ये मैंने ऑन कर दिया अभी गैस, और ये मेरे सफाई का कीड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा गिरता है तो वो मैं साफ़ करती रहती हूँ। ये मैंने हल्का सा चीनी डाली हूँ, बच्ची के लिए ज़्यादा मीठा ठीक नहीं है। अब थोड़ा दो तीन ही मिनट में ये पक जाएगा, और मैं आपकी कंसिस्टेंसी बताती हूँ कैसे रखना है। आप अपने बच्चों को दें, ये 8 महीने से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चों को आराम से ये आप दे सकते हैं, 8 मंथ्स चाइल्ड को। तो मेरी बेटी तो अभी 10 मंथ्स की है, तो मैं इसे बना कर देती हूँ यही। तो आपको ये रही, ये ऐसी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। गाइस, तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, जल्दी मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बाय।